नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट हायर ऑर्डर ऑफ फंक्शन पाइथन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखेगा। पहला लिखा हुआ इसमें, वी विल इन्वेस्टिंग द कनेक्ट ऑफ द हायर ऑर्डर फंक्शन पाइथन इन देयर आर फंक्शंस दैट टेक एज अ पैरामीटर और रिटर्न द बोथ ऑफ फंक्शंस। क्या क्या इसे पढ़ना है हमको? पहला पढ़ना है हायर ऑर्डर फंक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ना है, देन हायर ऑर्डर फंक्शन एग्जांपल्स, देन पाइथन हायर ऑर्डर फंक्शंस, देन यूजिंग द हायर ऑर्डर फंक्शंस एंड फंक्शन रिटर्निंग द फंक्शंस। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको इसमें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला पॉइंट आपका है हाई ऑर्डर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको क्यों लाया गया, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, क्या इसकी जरूरत पड़ी हमें, पहले ये देखेंगे। देखा है, गिव दैट वी कैन असाइन अ रेफरेंस ऑनटू इनटू अ फंक्शंस टू अ वेरिएबल, देन दिस माइट इंप्लाई दैट वी कैन आल्सो यूज द सेम अप्रोच टू पास अ रेफरेंस टू अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शंस। This implies that one function can accept the other function as a parameter, and such a function are known as high order functions. Basically, क्या होता है function? Function क्या होता है? Function ये होता है, जब हम किसी function की बात करते हैं तो function दो तरह का होता है। आप दो तरह का function मतलब क्या, आप मैंने इसको अपने हिसाब से इसको characterize किया, divide किया, आप अपने हिसाब से इसको divide कर सकते हो। Function का मतलब होता है कि जब भी हम कोई program function इसे यूज करते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोडिंग उसको रिड्यूस कर सकें। साथ साथ अगर हमें सेम काम, सेम चीज, सेम आर्गुमेंट को पास करना है आपको बार बार, सेम स्टेटमेंट आपको प्रिंट कराना बार बार, तो आप उस फंक्शन को कॉल करके हर बार उस फंक्शन का यूज करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हो। बेसिकली फंक्शन आपका ये होता है, फंक्शन का बेसिक काम ये होता है कि आपका जो मशीन है, आपका जो प्रोग्राम है, उसको सही तरीके से आपके डिमांड के अकॉर्डिंग, आपके आउटपुट के अकॉर्डिंग उसको रन करा सके और जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो आउटपुट आपको मिले। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है, देखो यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है दिस इम्प्लाइज दैट कैन एक्सेप्ट अनदर फंक्शन एज अ पैरामीटर। मतलब क्या करता है पैरामीटर, मतलब कि आप जब फंक्शन क्रिएट करोगे इस हाई ऑर्डर में, उसको पैरामीटर की जैसे क्या करेगा, इसको लेगा ये। ठीक है, देखिए क्या बताया था आप लोग को, हाई ऑर्डर फंक्शन बता रही थी आप लोग को। इसे बेसिकली क्या हो रहा था कि हम एक पैरामीटर, पैरामीटर मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई फंक्शन में कोई पैरामीटर मतलब वेरिएबल्स हो सकता है, कोई पैरामीटर मतलब कोई आपका स्टेटमेंट, कुछ भी आप जो पास करना चाहते हो फंक्शन के थ्रू, तो उसको जब हम एज अ फंक्शन को हम एज अ पैरामीटर कंसिडर करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो लिखा है सच एज फंक्शन आर नोन एज द हाई ऑर्डर फंक्शन। मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाई ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। जब किसी भी फंक्शन को हम एज अ पैरामीटर अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, हाई ऑर्डर फंक्शन। ये डिफिनेशन है इसका। आपसे पूछा जाए एग्जाम में व्हाट इज हाई ऑर्डर फंक्शन, आप बोल सकते हो हाई ऑर्डर फंक्शन इज फंक्शन दैट यूजिंग प्रोग्राम एज अ पैरामीटर इज नोन एज द हाई ऑर्डर फंक्शंस। बस एक लाइन ये याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और ये पूछ इसका एग्जाम्पल बताऊंगी आप लोग को तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इसका यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है मैं आपको दिखा रही हूँ, नेक्स्ट लाइन में आपका ये लिखा हुआ है इन अदर वर्ड A function that take another function as a parameter is known as a higher order function. Basically वही चीज़ यहाँ फिर से बोल रहा है कि function जो भी किसी function को एक another function के as a parameter में use करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, higher order function बोलते हैं। जो ये line थी और ये line थी दोनों similar ही है, आप दोनों में से कोई एक line याद कर लीजिएगा, आप exam में पूछो definition तो आप इसको बता सकते हो। फिर next लिखा हुआ है take one and more function as a parameter, आप बहुत सारे function को as a parameter consider कर सकते हो।
आप अपने रिजल्ट को रिटर्न भी कर सकते हो। रिजल्ट रिटर्न करने का मतलब ये होता है आपको आउटपुट मिल जाना, आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाना, ठीक है ना, ये होता है रिटर्न करने का मतलब। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका आएगा इसमें हाई ऑर्डर फंक्शन एग्जाम्पल, देखते हैं एग्जाम्पल कैसे इसका यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द फंक्शन इन पाइथन कंसीडर एज अ फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन, जितने भी पाइथन में आपके फंक्शन यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। माने पूछा जाए एग्जाम में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन एंड हाई ऑर्डर फंक्शन, माने आपके एग्जाम में पूछा जाए कि हम फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन कैसे कहते हैं या हाइयर ऑर्डर फंक्शन कैसे कहते हैं, आप सिंपली कहिएगा जो भी फंक्शन, जैसा भी फंक्शन आप किसी प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं उस फंक्शन को हम एज अ पैरामीटर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल फंक्शन को हम एज अ पैरामीटर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी भी फंक्शन को एज अ पैरामीटर किसी प्रोग्राम में कंसिडर करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। ये एक लाइन का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इन दोनों को चाहो तो नोट कर लो, कहीं कॉपी पे लिख लो कहीं पे, या तो मैं जो बता रही हूँ ध्यान से सुन लो। पहला डिफरेंस ये है, एक ही डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है, जब किसी प्रोग्राम में हम फंक्शन का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फंक्शन। अब किसी प्रोग्राम में उसी फंक्शन को हम एज अ पैरामीटर कंसिडर करते हैं उसे हम बोलते हैं हाई ऑर्डर ऑफ फंक्शन, चाहे मल्टीपल फंक्शन हो चाहे मल्टीपल प्रोग्राम, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दिस फंक्शन टेक अ इंटीजर एंड अ फंक्शन विद इन अ बॉडी ऑफ द फंक्शन when defined the function passed is a parameter is applied to increase a parameter and the result of the function being a is a return. dekha def kya aapka def matlab hota hai user defined function, jo user ne define kiya use bolte hain functions. aapka likha hua x comma 1 humne ek function banaya apply naam ka use kiya, fir return mein function x kiya humne return result aapko result mil gaya. matlab aap dekho jo function x hai na aapka, function x use kar rahe hain wo as a function banaya humne kisme default defined function mein define kar diya usko, lekin usko hum return ke sath as a parameter kya kar rahe hain usko hum कॉल कर रहे हैं या एज अ पैरामीटर उसको हम यूज कर रहे हैं। जैसे हम एज अ पैरामीटर यूज करते हैं मतलब वेरिएबल वैल्यू यूज करते हैं साथ में, तो उसको हम बोलते हैं हाई ऑर्डर ऑफ फंक्शन। आप कुछ भी यहाँ वैल्यू, आप कोई फंक्शन बनाइए, कोई फंक्शन बनाइए, यूजर डिफाइंड फंक्शन कोई बनाइए, आप बनाने के बाद क्या करिए, जो आपने उसमें ऑगुमेंट पास किया है फंक्शन के साथ उस वैल्यू को आप फिर से कॉल करिए, कॉल इन द सेंस एज अ पैरामीटर यूज करिए, और जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं हाई ऑर्डर ऑफ फंक्शन या फिर एज अ पैरामीटर उसको कंसिडर करते हैं। अब इसका एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख लो, आई होप सबको स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है हाई ऑर्डर फंक्शन ट्रीट एज अ फंक्शन एज अ फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट, एज अ फर्स्ट क्लास ऑफ फंक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन दैट दे कैन बी पास अराउंड और मैनिपुलेट लाइक अदर ऑब्जेक्ट सच एज स्ट्रिंग एंड इंटीजर। जब किसी भी हाई ऑर्डर फंक्शन को हम एज अ स्ट्रिंग, एज अ वेरिएबल या रिटर्न वैल्यू, कुछ भी आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, लिखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट, फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट मतलब हाई ऑर्डर फंक्शन, वेरिएबल, पैरामीटर, रिटर्न वैल्यू, इस तरह की चीजें अगर हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में अपने फंक्शन के साथ, तो हम इसको मानते हैं कि यहाँ पे हाई ऑर्डर फंक्शन यूज किया गया। क्यों? क्योंकि हाई ऑर्डर फंक्शन के साथ हम किसी पैरामीटर को कॉल कर सकते हैं या किसी फंक्शन को एज अ पैरामीटर हम कंसिडर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप किसी को समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि फंक्शन के बारे में बहुत लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, बट फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी दो लाइन में। पहला लाइन क्या है, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, आप बोलेंगे फंक्शन इज function are using in programming language that function apply to manipulate or execute that program easily way and when we are creating any function in programming we are call after programming program ke baad bhi call kar sakte ho usko aap, program ke program execute tab bhi call kar sakte ho aap, aur ek function ke sath kai sare program ko bhi aap run kara sakte ho. jaise maan lo is for example ki tumne kya banaya, tumne koi machine, tumne koi car design kiya, theek hai na, कार डिजाइन में तुमने कुछ कार का फंक्शन बनाया, कैसा फंक्शन बनाया, जिस फंक्शन का तुम उस मल्टीपल कार में कर रहे हो। मल्टीपल कार मतलब कि कार की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, कार कैसी लुक में दिखती है, इसको ये हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं कि कभी कभी हम जब मार्केट में गाड़ी खरीदने जाते हैं या आपको सब मशीन खरीदने जाते हो, कोई एसी टीवी कुछ भी खरीदने जाते हो, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, हमसे फंक्शन क्या है, क्या फंक्शनिंग है, इसके क्या फीचर्स है, हम ये बात करते हैं ना हमेशा। इसका मतलब क्या होता है, टीवी तो है, टीवी का तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं है, टीवी वो भी है, टीवी वो भी है, लेकिन दोनों के फीचर में बहुत डिफरेंस होगा, दोनों के फंक्शन में बहुत डिफरेंस होगा। हो सकता है कि सेम फंक्शन का वो टीवी हो, ज्यादा कॉस्ट का हो, साइज में डिफरेंस हो, हार्डवेयर पार्ट में डिफरेंस हो, या हो सकता है कुछ डिफरेंट फंक्शन उसमें यूज किया गया हो। कहने का मतलब ये हुआ कि आप सेम फंक्शन को आप डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर के साथ यूज कर सकते हो, आप सेम फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के साथ यूज कर सकते हो, आप सेम फंक्शन को एज अ पैरामीटर भी कंसिडर कर सकते हो। बेसिकली ये जो चार लिखा है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट, मैं दिखाती हूँ आप लोग को, ये जो लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट पॉइंट, इट कैन बी असाइन टू वेरिएबल, मतलब हम फंक्शन को एज अ वेरिएबल जब कंसिडर करते हैं प्रोग्राम में उसको भी हम हाई ऑर्डर ऑफ फंक्शन बोलते हैं। जब फंक्शन को हम एज अ पैरामीटर कंसिडर करते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, हाई ऑर्डर ऑफ फंक्शन बोलते हैं।
जब फंक्शन को हम एक रिटर्न वैल्यू के साथ यूज करते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। जब फंक्शन को हम एज अ किसी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए स्ट्रक्चर फॉर्म यूज करते हैं तो भी हम उसको हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। लिस्ट के साथ यूज किया जाता है बेसिकली, हैश के साथ यूज करते हैं, असाइन टू वेरिएबल वैल्यू के साथ यूज करते हैं, इन सारी चीजों के साथ हम किसी भी हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बस नाम में डिफरेंस है। फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन होता है क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन आपका ये होता है कि जब किसी फंक्शन को हम क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम में कॉल करते हैं, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन। जब हम फंक्शन को एज अ पैरामीटर, एज अ वेरिएबल, एज अ रिटर्न वैल्यू, एज अ स्टोर डेटा इन स्ट्रक्चर, ठीक है, एज अ हैश टेबल, एज अ वेरिएबल कॉल करते हैं प्रोग्राम में अपने, तो उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। बस इतना डिफरेंस है, ठीक है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका, अभी आपका यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, ये डेफ क्या है, डेफ मतलब क्या है आपका, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो आपका डेफ लिखा है ये डीईएफ, डीएफ जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है आपका, ये क्या होता है, ये डेफ बोलते हैं, ठीक है। हमने क्या बनाया, एक एड नाम का फंक्शन बनाया, तो यहाँ पे एड नाम का फंक्शन है जिसमें क्या है आपका एक्स और वाई, हमने क्या किया दो वेरिएबल दिए इसको, रिटर्न लिखा है एक्स प्लस वाई, हमने क्या किया उस ऑपरेशन को यहाँ परफॉर्म किया, आउटपुट क्या आ गया, वो 30 आ गया। अब यहाँ पे देखो एक और वेरिएबल लिया हमने सम नाम का, ठीक है, हमने इसे फंक्शन को फिर से कॉल किया 10 20 वैल्यू के साथ, और प्रिंट आपका सम आंसर आ गया। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब हम किसी फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन क्या क्रिएट कर, एड नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, इसको फंक्शन क्रिएट करना है, फिर इसको हम एज अ पैरामीटर यहाँ यूज कर रहे हैं, 10 20 के साथ एज अ पैरामीटर यूज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाई ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। सिंपल सिंपल छोटा सा प्रोग्राम है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक डिफ नाम का फंक्शन है, इसमें हमने एक एड फंक्शन बनाया, ठीक है, उसको फिर एक वेरिएबल के साथ हमने एज अ पैरामीटर पास किया, और फिर हमारा आंसर मिल जाएगा, प्रिंट सम करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, 30 आपको आउटपुट आ जाएगा। ऐसे ही फंक्शन को हम बनाते हैं, ऐसे ही हाई ऑर्डर फंक्शन के प्रोग्राम को बनाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल और है देख लो। एक एग्जांपल और आपका है, लिखा है डेफ, अब यहाँ देखो एस ए वाई, से क्या है आपका एक फंक्शन, एक से नाम का क्या बनाया, फंक्शन बनाया, ठीक है ना, ये क्या आपका एक फंक्शन बनाया हमने, ठीक है, रिटर्न द मैसेज डॉट अपर, अपर का अपर मतलब क्या होता है, अपर एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप किसी भी लेटर को कैपिटल कर सकते हो, किसी भी जो वैल्यू पास कर रहे हो उसमें फंक्शन में, उस वैल्यू को आप कैपिटल लेटर में इसको प्रिंट करा सकते हो, ठीक, उसे बोलते हैं अपर फंक्शन। जैसे यहाँ पे लिखा है वाई ई डबल एल इज इक्वल टू से आउटपुट हेलो इन कैपिटल प्रिंट वाई ई डबल एल एच ई डबल एल, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने जो से नाम का फंक्शन बनाया उसको हम एज अ पैरामीटर वाई ई डब्ल्यू एल के साथ कॉल कर रहे हैं, और जब जैसे उसको कॉल कर रहे हैं उसके साथ जो वैल्यू पास करेंगे वो आपको प्रिंट होके आ जाए, क्या प्रिंट होके आएगी आपका हेलो, हेलो क्या किया है हमने स्मॉल में प्रिंट, हमने स्मॉल में उसको वैल्यू को दिया है प्रिंट के साथ, हमने ऑगमेंट पास किया है, जैसे हमने ऑगमेंट पास किया है वैसे ही वैल्यू क्या करेगा, वो कैपिटल में इनपुट का आपको आउटपुट दे देगा। जैसे वो कैपिटल में लिखा है एच ई डबल एल एल ओ, क्यों लिखा है कैपिटल में, क्योंकि हमने अपर फंक्शन लगाया है, अपर अपर मेथड का यूज किया किसके साथ, इस डिफाइंड फंक्शन के साथ हमने यूज किया है, ठीक है ना। अब ये फंक्शन क्या था, मैसेज नाम का फंक्शन था, रिटर्न लिखा हुआ, रिटर्न मतलब वैल्यू रिटर्न करेगा आपको ये, और ये आपका ऊपर फंक्शन लगा साथ में, तो आपका आउटपुट क्या जाएगा, हेलो आ जाएगा। इसी फंक्शन की वजह से जब यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं एज अ पैरामीटर कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो वैल्यू पास कराएंगे इसमें ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। एक और देख लो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल, तीनों में क्या डिफरेंस बताते हैं भी आप लोग को। एक और देख लो आप एग्जाम्पल, ये लिखा है यूज, अब जितना मैंने यहाँ बताया था आपको चार चीजें, एक दो तीन चार पांच, इन सबका एक एक एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया एज अ वेरिएबल यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या था एज अ पैरामीटर, यहाँ पे हम एज अ पैरामीटर कर रहे हैं यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इसको, तीसरा देख लेते हैं, पहला ओके तीसरा देख लेते हैं, दूसरा सॉरी दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे, और हमने लिखा डेफ नाम का एक कैलकुलेट, कैलकुलेट मतलब कैलकुलेट करना हमें, ठीक है ना, एफ एक्स वाई फंक्शन बनाया हमने कैलकुलेट नाम का, रिटर्न एफ एक्स वाई कर रहे हैं हमने, हमने क्या किया एक पैरामीटर लिया, पैरामीटर को पास किया हमने एक्स कॉमा वाई से, प्रिंट क्या लेमडा, लेमडा एक लेमडा के बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगी, लेमडा क्या होता है मैं बताऊंगी आप लोगों को, लेमडा एक फंक्शन होता है जिसका जिसका बेसिकली जो ये ऑपरेशन है दिखाती हूँ आप लोगों को, जो ये है ना ये लेमडा में यूज किया जाता है, ये चीज, ये लेमडा का प्रॉपर्टी होता है, ये लेमडा फंक्शन यूज किया जाता है, क्या होता है लेमडा, शायद मैंने आप लोग बताया भी है पहले, नहीं बताया तो आगे बता दूंगी आप लोग को।
लैम्डा फंक्शन बेसिकली क्या करता है, दो वेरिएबल्स को, जो वेरिएबल्स आपके दो तीन जो वेरिएबल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर का यूज करता है, इसको हम बोलते हैं एड ऑपरेटर, और वैल्यू क्या करता है, एड ऑन करता है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, देखो तो यहाँ पे हम डेफ नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, ये फंक्शन आपका फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है आपका, पूरा फंक्शन का नाम है। फिर हमने क्या किया, रिटर्न लगाया उस पर, वैल्यू किया, फिर एज अ पैरामीटर को कॉल किया एफ एक्स वाई करके, फिर देन प्रिंट किया, फिर उसी फंक्शन को जो कैल नाम का था, कैलकुलेटर नाम का था, उसको कॉल किया हमने, और फिर हमने उसको साथ ये एक्सप्रेशन को एड ऑन कर दिया, हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए इस फंक्शन का यूज करके। बेसिकली फंक्शन में क्या था, एफ एक्स वाई, एफ मतलब फंक्शन, एक्स वाई मतलब सब वेरिएबल, ये फंक्शन था आपका। हमने उसी एक्स वाई में एक वैल्यू पास की 50 और 50 पास की, आपका आउटपुट आ गया 100, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि बार बार हमें फंक्शन क्रिएट की जरूरत नहीं पड़ी, वो हमने क्रिएट कर दिया, अब हम जितनी चाहो उतने से वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, जितने चाहो उतने पैरामीटर पास कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी यही खासियत होती है फंक्शन का यूज करने का। नेक्स्ट आपका आता है स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन, स्टोर कैसे करते हैं डेटा, देख लो। पहला आता है जीरो, डेफ एड एक्स वाई रिटर्न एक्स वाई, एक्स प्लस वाई करेंगे इसमें, तो हमें जीरो जो आपका ये दिखा रहा है, 0 1 2 दिखा रहा है आपको, ये आपका दिखा रहा है किस फॉर्म में डेटा आपका जाके वहां स्टोर होगा। पहले आपका एक्स वाई के फॉर्म में एक्स प्लस वाई करेंगे, फिर हम लोग फिर सब्ट्रैक्शन जानते हैं आप लोग, एक्स माइनस वाई, मल्टीप्लीकेशन एक्स इंटू वाई, ये तीन ऑपरेशन है, पहला आपका एक्स प्लस वाई है, दूसरा आपका एक्स माइनस वाई है, और तीसरा आपका एक्स इंटू वाई है, तीन फंक्शन में यूज किए गए हम लोग, जो कि आपका एड नाम से है, सब्ट्रैक्शन नाम से है, और मल्टीप्लीकेशन नाम से है। और इस तरह के फंक्शन आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि डेफ यूज किया गया है, डेफ का मतलब होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये हमने बनाया फंक्शन। अगर इस तरह का फंक्शन आपको यूज करना है अपने ऑपरेटर का यूज करके, तो भी आप इसमें हाई ऑर्डर फंक्शन में यूज कर सकते हो, उसको बार बार कॉल करके ऑपरेटर को प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आपका, नेक्स्ट आपका है, अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये तो मैंने क्या किया, हमारा 0 1 2 था फंक्शन था, यहाँ पे देखो तो अब हमने ऑप्शन दिया एड सम मल्टीप्लीकेशन, हम क्या करना है, हमें ये तीनों तीनों ऑपरेशन इस सारे फंक्शन पे परफॉर्म करना है, ठीक है, सारे फंक्शन परफॉर्म करना है, और हमें वैल्यू भी देना है, 5 और 6 ने वैल्यू दिया है। 0 1 2 मतलब क्या है, 0 0 उसकी पोजिशन बता रहा है, 1 उसकी पोजिशन बता रहा है, और 2 उसकी पोजिशन बता रहा है। आप लोग पता है कि जब भी हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, खासकर पाइथन में एरे का यूज करते हैं, सी में किसी भी एलिमेंट को उसके मेमोरी एलोकेशन को एलोकेट करने के लिए, और हम इंडेक्स का यूज करते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन को जानने के लिए, तो जो 0 1 लिखा हुआ है ना, ये क्या है, बेसिकली इसका पोजीशन बता रहा है, पोजीशन दिस इज, ये एलिमेंट कहाँ पे स्टोर है, फंक्शन कहाँ स्टोर ही बता रहा है 0 1 2 के बारे में। अब देखो यहाँ जो हम लिखे हैं प्रिंट, प्रिंट ऑप्शन 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, आपको दिख रहा है, एक फोटो के दिखा रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ इस लाइन की, यहाँ देखो ये प्रिंट लिखा है 0 1 और 2, यहाँ पे क्या है 0 1 और 2, हमें तीन फंक्शन डिफाइन किया था यहाँ पे स्टार्टिंग में, इन तीनों को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो कॉल कर रहे हैं, किस कॉल, किससे कॉल कर रहे हैं, उसकी ये पोजीशन से मतलब उसके इस इंडेक्स नंबर से कॉल कर रहे हैं, जो कि क्या है 0 1 2 है। हमने वैल्यू पास करते हुए 5 6, आप कोई वैल्यू ले सकते हो यहाँ पे, डिफरेंट वैल्यू ले सकते हो, सेम वैल्यू ले सकते हो, आपको जो वैल्यू ले सकते हो, हमने वैल्यू यहाँ पास किया। अब जैसे हमने 5 और 6 लगाया, तो पहला पहला फंक्शन क्या था, ऐड करना, एक्स प्लस 5 5 प्लस 6 कितना होता है 11, इसका आउटपुट कितना आ गया 11 आ गया। फिर हमने लगाया एक्स माइनस वाई, हमारा क्या आउटपुट, क्या इनपुट था 5 और 6 था, तो क्या आंसर आएगा -1 आ गया। फिर हमने लगाया 5 और 6 इनपुट दिया हमने, हमने क्या लगाया फंक्शन, हमने ये फंक्शन लगाया मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन लगाया, और रिटर्न वैल्यू हमें एक्स इंटू वाई चाहिए, तो हम क्या आउटपुट मिल गया आपको 30 आउटपुट मिल गया। इस तरह के आप फंक्शन को स्टोर कर सकते हो एज ए इंडेक्स यूज करके, आप उसके इंडेक्स के साथ फंक्शन क्रिएट करेंगे आप, और क्रिएट करने के बाद उसको जो प्रिंट कराएंगे, तो उसके इंडेक्स को कॉल करके हम उसको आराम से निकाल सकते हैं, मतलब जब इंडेक्स को कॉल करते हैं तो पूरा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्या पूरा फंक्शन का नाम लिखिए, आपने कौन सा फंक्शन यूज किया है, ये इसकी खासियत होती है, किसकी, हाई ऑर्डर फंक्शन की, कि बार बार आपको चीज़ों को लिखना नहीं पड़ता है, साथ साथ क्या होता है आप उसके पैरामीटर को कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, आप उसके फंक्शन को एज अ पैरामीटर यूज कर सकते हो, वेरिएबल यूज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हो। बेसिकली आप ये 4 पॉइंट याद रखना, वेरिएबल, पैरामीटर, रिटर्न वैल्यू, स्टोर डेटा, अनलिस्टेबल, असाइन ऑफ वेरिएबल, ये चीज, ये तीन चार चीजें याद रखना, 4 5 चीजें हैं, यही आपको मेन चीज है, आपको मेन ये बताना पड़ेगा एग्जाम में, पूछा जाता है व्हाट इज हाई ऑर्डर फंक्शन, आपको 5 चीज बताना पड़ेगा, इन 5ों के एग्जाम्पल बता दिया मैंने, पहले वाले में ऐसे पैरामीटर यूज कर रहे हैं, वेरिएबल यूज कर रहे हैं, फिर हम वैल्यू को स्टोर कैसे कर रहे हैं ये बता दिया, फिर जब उसको पैरामीटर कॉल कर रहे हैं तो कैसे यूज कर रहे हैं ये बता दिया आप लोग को, ये तीनों, ये पॉइंट आपका, ये टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें और पढ़ना है इसके आगे, तो आप ये ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑनलाइन जिसमें आपको दिखाई थी चीजें, ये यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे डेफ नाम का अप्लाई फंक्शन बनाया, रिटर्न किया फंक्शन को वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे देखो तो लिखा है नाउ वी कैन यूज द फंक्शन मिल्ट
मल्टीप्लाई करना विद द फंक्शन ऑफ फ्लाई सो एज द बिलो. आप चाहो तो सीधे आप क्या कर सकते हो, इस फंक्शन का यूज कर सकते हो जो कि हमने डिफाइन किया था, और साथ में अप्लाई यूज कर सकते हो. तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 50 वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि वाई की जो वैल्यू है 10 है और 5 ऑलरेडी दिया हुआ है. तो 10 इंटू 5 50 आपका आंसर मिल जाएगा. हम पाइथन में, पाइथन में बेसिकली पाइथन हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, एज यू ऑलरेडी सी वंस वी डिफाइन अ फंक्शन इट एक्चुअली दे क्रिएट अ फंक्शन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है. तो आपका ये जो ये फंक्शन है ना, ये ऑनलाइन जो पढ़ा रही है आप लोग को, आप इसके बाद देख लीजिएगा. अगर लगेगा आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए तो यहाँ से पढ़ सकते हैं आप लोग, कुछ इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या था, इसको एग्जाम्पल समझाएंगे आप लोग को. ये देखो तो क्या होता है, ये आपका लैम्डा एक्सप्रेशन, लैम्डा एक्सप्रेशन बताई थी ना आप लोग को, ये यहाँ यूज हुआ था लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पे, ये इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. देखो तो क्या होता है, लिखा है अनोमियस फंक्शन. अनोमियस तो क्या होता है, अननोन, ऐसी चीज जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास. ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं, लैम्डा फंक्शन बोलते हैं. लिखा है फंक्शन विच हैज नो नेम इज नोन एज लैम्डा फंक्शन, जिसका कोई नाम नहीं है, हमने कोई नाम दिया ही नहीं है फंक्शन में, ना उसको मैंने डिफाइन कुछ भी नहीं दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एज अ एनोमियस या एज अ लैम्डा एक्सप्रेशन या लैम्डा फंक्शन बोलते हैं. ये आपके एग्जाम में आता है बेटा, इससे ध्यान समझिएगा इसको. देखा, दिस इज ऑल्सो नोन एज एनोमियस फंक्शन, डू नॉट डिफाइन बाय डेफ कीवर्ड, रिटर्न द एक्सप्रेशन बट नॉट वैल्यू ठीक है. वन लाइन फंक्शन, एनी नंबर एज आर्गुमेंट कैन नॉट एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन बाय यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड एंड फंक्शन डज नॉट हैव एनी नेम. पहला पॉइंट समझा रही हूँ, पहला पॉइंट लिखा है डू नॉट डिफाइन बाय डेफ कीवर्ड. जब यूजर ने इसको डिफाइन किया ही नहीं है, पहले लिख दिया गया है कि ये अननोन फंक्शन होता है, इसका मतलब यूजर ने डिफाइन तो नहीं किया होगा, इसे इसको हम बोलते हैं, इसको हम डेफ फंक्शन का डिफाइन नहीं करते हैं, पहला पॉइंट. सेकेंड लिखा है रिटर्न द एक्सप्रेशन बट नॉट वैल्यू, हमेशा आपको रिटर्न एक्सप्रेशन करेगा, वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. सवाल में यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो ये एक्सप्रेशन है, एक बार दिखा रही हूँ, ये जो यूज हो रहा है ना, ये आपका एक्सप्रेशन है, ये क्या है, बिल्कुल एक्सप्रेशन दिया हुआ है. देखो इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, सिर्फ एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू दे रहे हैं तो हमें इसका आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है. ऐसे ही बता रहा है यहाँ पे कि जो चीज़ यहाँ यूज हो रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कि लिखा है रिटर्न एक्सप्रेशन बट नॉट वैल्यू, एक्सप्रेशन रिटर्न करता है बट वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. वन लाइन फंक्शन, एक लाइन का फंक्शन होता है, एनी नंबर एंड आर्गुमेंट, कोई नंबर भी हो सकता है उसमें, आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं हम लोग. कैन नॉट एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल, हाँ लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, दोनों का क्या मतलब होता है बता दूँ. लोकल मतलब आप समझते हो, लोकल मतलब क्या होता है, लोकली, ग्लोबल मतलब ग्लोबली. तो अगर मान लो कोई फंक्शन आपने बनाया, फंक्शन बनाने के बाद प्रोग्राम रिटर्न किया आपने, तो उस प्रोग्राम में उस फंक्शन को आप बार बार कॉल कर रहे हो, मतलब आउट ऑफ ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम आपने कोई फंक्शन बनाया. आउट ऑफ ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम मतलब क्या हुआ, पहले फंक्शन बनाया फिर अपने ब्लॉक में प्रोग्राम को लिखा, उस प्रोग्राम के आउटर बोलते हैं उस फंक्शन को, मतलब उस प्रोग्राम में इनसाइड में नहीं है, आउटर में हमने फंक्शन को क्रिएट किया, तब जाके प्रोग्राम को बनाया. उस प्रोग्राम में बार बार उसको हम क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं अपने वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए या उसको लिखने के लिए, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल फंक्शन ठीक है. लोकल क्या होता है, लोकल वो होता है जब इनसाइड हम किसी प्रोग्राम में किसी फंक्शन को बनाते हैं. इनसाइड मतलब क्या हुआ कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, फिर उसकी इंटरनल जो कोड होते हैं, जो उसके इनसाइड जो कोड होते हैं, उसमें हमने कोई फंक्शन बनाया और फिर इस फंक्शन को कॉल करके हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल. तो हमेशा जो ये लैम्डा फंक्शन होता है, ये किसी ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल फंक्शन को या ग्लोबल वेरिएबल को क्या कहते हैं, कॉल नहीं करता है, मतलब उसमें वैल्यू को पास वो नहीं करेगा, हमेशा इनसाइड होगा तो ही पास करेगा. फिर लिखा है डिफाइन बाय यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड, इसको लैम्डा कीवर्ड से हम डिफाइन करते हैं. फंक्शन डज नॉट हैव एनी नेम, इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है ठीक है. Lambda argument call is called to expression. Today may modern programming language like Java, Python, C++, C#, support the lambda function to add the functionality to the language. Basically आप क्या करते हो, आप सारे जितने भी आप जावा है, पाइथन है, C#, ऐसा चीजों का यूज करते हो ताकि आपके lambda function जो है वो आपको सपोर्ट कर सके और वैल्यू को दे सके ठीक है. फिर लिखा है lambda in a python, in python lambda expression are utilized to construct the any function. मतलब किसी भी फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए हम लैम्डा फंक्शन का बेसिकली यूज करते हैं. एवरी एनोमियस फंक्शन यू डिफाइन इन पाइथन विल हैव थ्री एसेंशियल पार्ट, तीन चीजें होती हैं जब किसी लैम्डा फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं किसी भी प्रोग्राम के साथ, किसी प्रोग्राम में. पहला होता है द लैम्डा कीवर्ड, आपका लैम्डा कीवर्ड क्या होता है जो मैंने बताया आपको, एक्सप्रेशन के साथ दिया होता है. द पैरामीटर होता है, दूसरा होता है फंक्शन बॉडी, तीन चीजें उसमें जरूर होती हैं.
लैम्डा कीवर्ड मतलब कि जो लैम्डा कीवर्ड में हम चीजों को एक्सप्रेस करते हैं वो पैरामीटर, मतलब जो एक्स वाई जो आपको पैरामीटर पास किया वो फंक्शन बॉडी मतलब पूरा एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई कॉलन एक्स प्लस वाई पूरा आपका फंक्शन हो जो एक्सप्रेशन होता है, ये तीन चीजों के साथ आप चीजों को रन करा सकते हो, वैल्यू को पास कर सकते हो। ठीक है, सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस एंड एग्जांपल लिखा है, द फॉर्मल सेंटेंस ऑफ राइट अ लैम्डा फंक्शन इज एंड गिवन बिलो। P1 P2 के आपका पैरामीटर है, ये क्या एक्सप्रेशन है। P1 P2 मतलब मान लो एक्स कॉमा वाई लिखा मैंने, फिर एक्सप्रेशन लिखा, हमेशा इसी फॉर्म में आप किसी सेंटेंस के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो ये देखो जो आपका ये लैम्डा कीवर्ड है ना, ये पूरा आपका लैम्डा कीवर्ड इसको बोल रहा है लैम्डा P1 P2 पूरा इसको बोल रहा है। लैम्डा पैरामीटर मतलब इसमें दो पैरामीटर पास करें P1 P2। फंक्शन बॉडी मतलब जो एक्सप्रेशन लगाएंगे उसको बोलेंगे फंक्शन बॉडी, मतलब क्या आप फंक्शन उस पर परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, लिखा हुआ है हियर द P1 एंड P2 आर द पैरामीटर विच आर द पास टू द लैम्डा फंक्शन एंड यू कैन एड एज मैनी और फ्यू पैरामीटर एज यू नीड। मतलब क्या आप इसमें बहुत सारे पैरामीटर को ऐड कर सकते हो जैसा आपका डिमांड है, जैसा आपका नीड है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कि एग्जांपल में लिखा है सम। सम क्या आपका कोई ऐसा फंक्शन, अनोन फंक्शन जानते हो आप, अनोन फंक्शन है, अनोमेस फंक्शन है, ये कोई नाम नहीं है, इसमें कोई नाम नहीं दिया हमने, सिर्फ एक सम नाम का इक्वल टू लैम्डा कॉमा एक्स कॉमा वाई एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, हमने लैम्डा लगा दिया। लैम्डा लगा दिया इसका मतलब जो सम नाम का फंक्शन है वो क्या है, अननोन है, मतलब कोई उसका नाम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। इसमें एक्स वाई क्या है, दो पैरामीटर है, और एक्स प्लस वाई क्या है आपका एक्सप्रेशन है। जो एक्स प्लस वाई एक्सप्रेशन है और एक्स वाई जो पूरा लिखा हुआ ब्लॉक में, उस पूरा को हम बोलते हैं फंक्शन बॉडी। ठीक है, अब इसमें फंक्शन बॉडी में क्या परफॉर्म करना है, क्या वैल्यू देना है आपको, प्रिंट लिखा आपने, सम लिखा, सम टू कॉमा थ्री लिखा, आपको आउटपुट आ गया 5, आपको सीधे आउटपुट मिल गया 5। मतलब हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जो कि अननोन था, सब कोई नाम नहीं है, साथ में लैम्डा का यूज किया, लैम्डा के साथ यूज करने के बाद हमने दो वैल्यूज ली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर दो एक्सप्रेशन के साथ जो P1 P2 यूज कर रहे हैं उसमें हम वैल्यू ले रहे हैं और साथ आपका आंसर आ रहा है। एक चीज और, जो पैरामीटर पास कर रहे हैं आप मल्टीपल पैरामीटर इसमें पास नहीं कर सकते, मतलब P1 P2 P3 P4 P5 नहीं कर सकते हो। अगर करना होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्रेशन भी लेना होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं X1 Y X1 फिर Y1 फिर Z1 लिखे फिर एक्स प्लस वाई लिखे, नहीं। अगर आपको ऐसा लेना है तो आपको इक्वल चीजें लेनी है, जितना एक्सप्रेशन में आप पैरामीटर यूज कर रहे हो, जितना पैरामीटर पास कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए। और दोनों में मिसमैच होगा तो शायद आपको आउटपुट नहीं आया। कहने का मतलब, मान लो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, देख लो एक बार हिमांशु आप मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब देखो यहाँ पे एक्स वाई लिखा है और एक्स प्लस वाई लिखा, अब हम यहाँ पे ले लें एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ले लें। ठीक है ना, और फिर हमने कॉलन लगाया यहाँ पे कॉलन लगा दिया, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखे एक्स और प्लस वाई सिर्फ लिखें अगर, तो ये वैल्यू जो होगी पास नहीं होगी, ये वैल्यू में आपको कोई एरर आएगा। क्यों, क्योंकि जो इधर आपने पैरामीटर पास किया वो जो आपने एक्सप्रेशन दिया है वो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपने जेड पैरामीटर पास किया है इसको आप इवेल्युएट कर ही नहीं रहे हो, इसलिए इस तरह की वैल्यू हम पास करेंगे अगर तो हमेशा एरर देगा। अगर आपको पास करना भी है यहाँ पे प्लस आपको जेड लगाना पड़ेगा, मतलब जितने भी आप पैरामीटर पास करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है लैम्डा फंक्शन। हम यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, डेफ हमने क्या बनाया, डेफ नाम का फंक्शन बनाया। क्या होता है, अननोन फंक्शन होता है, पता है ना, अननोन फंक्शन होता है। इसमें डेफ नाम का फंक्शन बनाया, ए कॉमा बी रिटर्न ए प्लस बी किया, जिसको बोलते हैं सिंपल फंक्शन। फिर मैंने एड टू लैम्डा ए कॉमा बी कॉलन ए प्लस बी लिखा, प्रिंट एड टू टू थ्री लिखा, लिखा है बिल्ट इन अ मैप रिड्यूस द फिल्टर। आप फिल्टर रिड्यूस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, सबट्रैक्शन, सारे फंक्शन सारे चीजें अप्लाई कर सकते हो। किस पे, उस दो पैरामीटर पे, किस पैरामीटर पे, ए और बी पे। अब देखो जो डेफ फंक्शन है, डेफ फंक्शन को हमने कहीं कॉल ही नहीं करा, हमने कहीं कॉल नहीं किया, हमने कहीं वैल्यू प्रिंट नहीं करा, हमने सिंपल क्या किया, हमने एड टू नाम का एक वैल्यू लिया जिसमें हम लैम्डा फंक्शन को पास कर रहे हैं, और फिर से एड टू को हम कॉल करके वैल्यू को पास कर रहे हैं, यानी पैरामीटर को पास कर। और जैसे हमने वैल्यू को पास किया प्रिंट के साथ, आपका आउटपुट आराम से आ जाएगा। 2 + 3 कितना होता है, 5। यहाँ पे देखो तो ये क्या कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो ये क्या है आपका एक फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं सिंपल फंक्शन। यहाँ पे सिंपल फंक्शन, इसका हम यहाँ पे कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, हम सीधे क्या कर रहे हैं, एड टू नाम को ला रहे हैं, फिर लैम्डा एक्सप्रेशन दे रहे हैं साथ में, फिर हमने एड टू में 2 + 3 किया, आउटपुट आपका आ गया 5। 2 + 3 कितना होता है, 5। फिर मैंने एक और मल्टीप्लाई नाम का बनाया, ठीक है, मल्टीप्लाई फुल लैम्डा ए कॉमा बी ए इंटू बी लिखा, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया 6। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लैम्डा का यूज किसी भी अननोन फंक्शन के साथ कर सकते हो जिसको आप कॉल करके वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो। ये डिफरेंस होता है आपका लैम्डा फंक्शन में और जिसके पहले बताया था आपका उस फंक्शन में। ठीक है, जैसे कि देखो ये यहाँ पे था, ये देखो ये लैम्डा फंक्शन की वर्ड वाला नॉमिस फंक्शन को लैम्डा फंक्शन बोलते हैं, और हाई ऑर्डर में क्या था, हाई ऑर्डर में बेसिकली हम
किसी फंक्शन को बना के उसको एज अ पैरामीटर वेरिएबल कॉल कर रहे थे, उसको हाई ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, एग्जाम में आएगा भी, उसको बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। उसके प्रोग्राम अगर चाहिए आपको कि मैम सौ एग्जाम्पल देखना है, मैं आपको नोट्स में मेरे पास है प्रोग्राम में, आपको मैं भेज दूँ, आप उसको रन करा के देख लेना कैसे रन हो रहा है, ठीक है। अगर आपको रन कराना अपने तरीके से तो आप w3school.com पे जाइएगा, वहाँ पे इसका फंक्शन को कैसे रन कराते हैं आपको बताया गया है, वहाँ से देख लेना एक बार, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक है, ये आपने फिर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो लिखा है Now we check the above program is anomalous or not. और हम चेक कर सकते हैं कि जो प्रोग्राम हमने बनाया है, ये जो प्रोग्राम बनाया हमने, कौन सा प्रोग्राम बनाया है, ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है क्या ये anomalous function है कि नहीं, ठीक है। ऐसे चेक करेंगे इसको, देखो तो लिखा है Now we check the above program is anomalous or not. Give the print add to print multiply. Print add कर रहे हैं, देखो तो ID को generate हो रही है, ठीक है। एड टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, शो ओनली लैम्डा फंक्शन, मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें कोई, जब हम ऐसे प्रिंट कर रहे हैं ना तो हमें कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है, हमें कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि लैम्डा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है एक्सप्रेशन को कंटेन करता है, इसको एज एनोमियस क्या किया इसने, प्रूफ कर दिया। क्यों प्रूफ किया? कि जब हम प्रिंट एड टू प्रिंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो ही नहीं रही है, ना वैल्यू एड हो रही है ना मल्टीप्लाई हो, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसको एनोमियस फंक्शन बोलते हैं, एनोमियस फंक्शन में कोई वैल्यू पास नहीं होती है, सिर्फ आप क्या करते हो एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो, ठीक है। बस यही तक था आपका आज का लेक्चर, मैं फिर लेक्चर आपका है, कल मैं आपको थर्ड यूनिट खत्म कर दूंगी और फोर्थ यूनिट स्टार्ट करूंगी। थर्ड यूनिट में सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है आपका, सिर्फ एक टॉपिक है, वो आपको मैं कल खत्म कर दूंगी।